हेलो नमस्कार आदाब सताल केम शो केडो हाल है ना बिल्कुल नहीं मैं सलमान खान नहीं हूं और ना ही आप बिग बॉस देख रहे हैं वेलकम टू टॉक शो विद कॉमन मैन तो जैसा कि आप हमारे शो के टाइटल से समझ ही गए होंगे कि हम अपने शो में किसी पॉलिटिशियन किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर किसी बड़े फिल्म स्टार को नहीं बुलाते क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है वो कहते हैं ना कि चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितने पैर हो ओ मतलब सॉरी मतलब पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी चादर हो अरे अरे के, 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 के भाई कहा जा रहे के 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 नहीं दे अरे का बात कर भाई 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 भरोसा नहीं खे अरे तुरा के अरे कुछ जौकी के अंडरवियर खरीदी हम बिच्चे में तोरा ध्यान आ गई बिच्चे रास्ता में ध्यान आ पूछा फिर बिना अंडरवियर के बैठल बानी पूरा पांच सौ रूपया बचेल बानी लगी अरे गुस्सा थकद आवा रिकॉर्ड करा अरे आवा आवा ठीक बा तो चलिए अपनी गरीबी के बारे में आपको ज्यादा ना बताते हुए सीधा मिलवाते हैं आपको हमारे गेस्ट यानी मेहमान से जो कि है एक ऑटो ड्राइवर मिस्टर मनसुखलाल जी तो आप ऑटो चलाते हैं भगाता हूं आप ऑटो भगाते हैं फुल स्पीड में आप ऑटो भगाते हैं फुल स्पीड में दिन भर ओके आप दिल्ली की सड़कों पे ऑटो भगाते हैं फुल स्पीड में दिन भर सड़कों पे किसने कहा तो कहाँ भगाते हैं गलियों में भगाता हूँ भाई साहब सड़कों पे मुझे डर लगता है सड़कों पे आपको डर लगता है जी बिल्कुल लगता है इतनी खूबसूरत बीवी है मेरी दो बच्चे हैं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद उनका क्या होगा आप ऑटो क्यों चलाते हैं शौक के लिए चलाता हूँ आप ऑटो शौक के लिए चलाते हैं मतलब ये आपका प्रोफेशन नहीं है नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं तो फिर आपका घर किस चलता है भाई साहब आप पढ़े लिखे है नहीं कॉमन सेंस वाली बात है नहीं आप में घर निर्जीव होता है घर कैसे चल सकता है अरे मेरा मतलब है आप पेट के लिए क्या करते हैं पेट के लिए भाई साहब मैं सो बाथरूम जाता तो भर के अरे मनसुख जी मेरा मतलब है खाने के लिए क्या करते हैं खाने के लिए खाना बनाते हैं आपके बच्चे हैं हाँ अभी तो बताया दो हैं उनका आप पालन पोषण कैसे करते हैं हम उन्हें वक्त देते हैं और क्या करते हैं उन्हें प्यार करते हैं और क्या करते हैं उन्हें स्कूल भेजते हैं एग्जैक्टली मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ वो जो फीस देते हैं वो पैसे कहाँ चाहते हैं अच्छा मतलब आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि मेरे पास पैसे कहां से आते हैं एग्जैक्टली exactly, आपके पास पैसे कहां से आते हैं काम करके काम क्या करते हैं आप मैं औरतों की चुमियां लेके वाता हूँ <laughs> कैसी बात कर रहे हैं पारिवारिक से नहीं कर सकते आप <laughs> अरे भाई साहब इस वर्दी में मेरे को कमिश्नर कौन बनाएगा ऑटो वाला हूँ अभी बताया ऑटो चलाता हूँ <laughs> अरे पर ऑटो तो आप शौक के लिए चलाते हैं ना भाई साहब नाना थोड़े चलिए मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ एक शर्त पे आप जो भी आप सवाल पूछेंगे वो बिना चिल्लाए और कोई सेंस वाला सवाल पूछेंगे तभी मैं जवाब दूंगा सेंस वाला कौन लेके आया क्या <laughs> कुछ नहीं खैर मनसुख जी शक्तिशाली अविश्वसनीय एक ऐसा इंसान जो पुरुष ही नहीं है <laughs> महापुरुष है हमारे लोधी जी उनके बारे में क्या सोचते हैं आप भाई साहब लोधी जी लो जी लोधी जी लोधी जी एक नंबर का मार माँ की पूजा करने वाला भाई साहब माँ की पूजा करने वाला और बहन बहनों की रक्षा करने वाले सज्जन पुरुष है भाई साहब और जो बोल पालम उन्होंने करा मुझे लिखित में ले लो कोई नहीं कर सकता बिल्कुल सही कहा आपने लोधी जी तो बहुत ही महान पुरुष है खैर आपको क्या लगता है कि हमारा देश अगले आने वाले दस सालों में किस देश की बराबरी करेगा भाई साहब अगर ऐसे चलता रहा तो हमारा देश आने वाले दस सालों में अरे, पागल नहीं हो गया साहब लंदन की, की। मनसुख जी आपका जवाब देने का तरीका ना बहुत अलग है हरानी में डाल देते आप लोगों को। फिल्में तो देखते होंगे आप जी बिल्कुल देखते हैं कैसा लगता आप देखना? जी, बहुत पसंद है आपका फेवरेट एक्टर हीरो कौन है बलमान खान बलमान खान आपका फेवरेट हीरो है क्यों क्यों क्या मतलब है भाई साहब निकू का क्या मतलब है आपका सवाल ही गलत है अभी आप पूछेंगे आपको नाना पसंद है मगर वहा आप कहेंगे क्यों भाई सवाल ही गलत है बलमान खान सिर्फ स्टार नहीं है सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं है दुनिया दुनिया है मेरी है साहब बलमान खान की फिल्मों में क्या देखते हैं आप बलमान खान नहीं बलमान खान तो देखते हैं वो समझ में आ गया लेकिन उसके अलावा क्या देखते हैं बलमान खान है इतना काफी है कंटेंट देखते हैं नहीं एक्टिंग नहीं डायरेक्शन नहीं स्क्रीन प्ले नहीं तो स्क्रिप्ट नहीं तो क्या देखते हैं बलमान खान अब समझ में आया कि बलमान खान की फिल्म में इतना ज्यादा पैसा क्यों कमाते कैमरा में देख के क्या फूस पुछ, पुछ कर रहे हैं कहीं आप बलमान खान की बुराई तो नहीं कर रहे अरे कहा मनसुख लाल जी हम और आपके बलमान साहब की बराबरी बदनामी कर ही नहीं सकते आपको पता मनसुख लाल जी क्या आप फेमस होने वाले हो क्या कैसे हमने आपका इंटरव्यू लिया लिया जी लिया अब ये इंटरव्यू टीवी पे आएगा क्या ये इंटरव्यू टीवी पे आएगा अजी बिल्कुल आएगा और टीवी तो बलवान खान जी के घर पे भी है हाँ बिल्कुल है अब देखिए टीवी तो बलवान खान जी के घर में भी है आपने लोधी जी के बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं लोधी जी भी टीवी देखते हैं क्या लोधी जी भी देखते हैं अरे हमारा शो बहुत पॉपुलर है मनसुख जी लोधी जी टाटा बिरला अंबानी सब देखते हैं सच में आपके सर की कसम मनसुख लाल जी आप फेमस होने वाले हो हर जगह छा जाओगे हर टीवी स्क्रीन पे हर घर पे न्यूज़पेपर में होर्डिंग में जो लोग आपके ऑटो ऑटो पे बैठते हैं ना एक किलोमीटर के दस रुपए देते हैं वो आपको पांच पांच रुपए देंगे इतने फेमस होने वाले हो आप पर एक दिक्कत है मनसुख लाल जी क्या दिक्कत है ये जो हमारा शो है हमें अपने इस शो को टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए इकतीस हजार पांच सौ रुपए की जरूरत है हमने बड़ी मशक्कत के साथ तीस हजार रुपये तो जमा तो कर लिए पंद्रह सौ रुपये की दिक्कत हो रही है अब अगर वो दिक्कत पूरी नहीं हुई तो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ा मनसुख जी की हमारा और आपका सपना ही धरा का धरा रह जाएगा क्या बात कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता सपना आपका नहीं टूटेगा पंद्रह सौ रुपये मैं आपको देता हूँ क्या बात कर रहे पंद्रह सौ रुपये देंगे आप हमें जी बिल्कुल देंगे ये लीजिए ये मेरे पूरे दिन की दिहाड़ी है क्या बात है मनसुख लाल जी तो बस आपका काम हो गया मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो हाँ तो दोस्तों वक्त आ गया अब आप सबसे विदा लेने का हमें मनसुख लाल जी के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि मनसुख जी हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छा जाए जा एक सितारे बनकर जी बिल्कुल बिल्कुल बस आप शोकना है हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो ठीक है चलता हूँ बहुत दुआ में याद रखना बाय बाय के पट्टे पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं हाँ भाई कैमरा मैन कितना बतरा हजार रुपये रुपए पांच सौ पैसे उन पैसों का क्या करेगा ये रहा मेरा आज का दारू का खर्चा है हाँ तो दोस्तों वक्त आ गया अब आप सभी से विदा लेने का उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये शो बहुत ही पसंद आया होगा मिलते हैं अगले एपिसोड में हमारे अगले मुर्गे के साथ आई मीन I mean, अगले गेस्ट के साथ तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टॉक शो विद कॉमन मैन बाय सरदर्द हो गया भे? आप लोग यही हो जाओ यार काम दाम करो हाँ